नमस्कार दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फेमस बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आइकिगाय, जिसको लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने। ये बुक लाइफ के अलग अलग एरियाज को बताती है जिससे हमें लाइफ में खुश रहने में मदद मिल सकती है। इसमें शेयर की गई बातें बहुत पुरानी जापानीज टेक्निक पर बेस्ड हैं जिसे आइकिगाय कहा जाता है। अपनी आइकिगाय को जानकर आपको पता चलेगा कि कैसे आप बहुत ही अच्छी लाइफ को पा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट भी करें। दोस्तों, अगर आप भी लंबा, हेल्दी और खुश जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसा करने का सीक्रेट साउथ जापान के ओकिनावा आइलैंड पर पाया जा सकता है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा 100 प्लस एज वाले लोगों का आइलैंड है, और इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की उम्र का सीक्रेट सिर्फ एक शब्द में बताया गया है, जो है आइकिगाय। आइकिगाय का मतलब होता है रीजन ऑफ लिविंग, या फिर द थिंग बिकॉज ऑफ विच यू जंप आउट ऑफ योर बेड एवरी डे मॉर्निंग। आइकिगाय चार चीजों से मिलकर बना है। आपको क्या पसंद है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आपको किसके लिए पे किया जा सकता है, आप किस चीज में अच्छे हो, इन सब को मिला के हमारी लाइफ की आइकिगाय बनती है। जब हम इनका इंटरसेक्शन देखते हैं, जैसे कि हमको क्या पसंद है और दुनिया को किस चीज की जरूरत है, तो उससे फॉर्म होता है हमारा मिशन। इसका मतलब है हमें पे भी नहीं हो रहा और मैं इस चीज में अच्छा भी नहीं हूँ। फिर इससे जुड़ के बनता है आपका वोकेशन, जिससे आपको पे भी हो रहा है और दुनिया को चाहिए भी। ये एक तरह से विनिंग विनिंग सिचुएशन है। अगर आप ये दोनों चीजें कंबाइन करेंगे तो आपको अपना पर्पस मिलेगा। आप इससे पैसा भी कमा रहे हैं और आप लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मिसिंग है हम किस चीज में अच्छे हैं। अगर हम मैं किस चीज में अच्छा हूँ और मुझे किस चीज के लिए पे हो सकता है को कंबाइन कर देंगे तो बनता है आपका प्रोफेशन। अगर आप अपनी लाइफ का मिशन, वोकेशन, प्रोफेशन, अगर ये तीनों एक साथ मिला दे तो आपकी जिंदगी में चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक चीज की कमी है। अगर आप कंबाइन कर दें कि आप किस चीज में अच्छे हैं और आपको क्या पसंद है, तो इससे मिलकर क्रिएट होता है जो लाइफ में लोगों को बहुत सक्सेसफुल बनाता है, पैशन। सो हमारी आइकिगाय हमारा पैशन, हमारा मिशन, हमारा वोकेशन और हमारा प्रोफेशन है, और जब ये सारी चीजें एक साथ मिल जाते हैं तो हम अपनी लाइफ की आइकिगाय को ढूंढ पाते हैं। जब आप इसको ढूंढ लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें लाइफ में क्या चेज करना है। कई जापानीज ये मानते हैं कि हर एक इंसान के पास आइकिगाय, मतलब कोई एक डेस्टिनी होती है जिसे वो पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। कुछ लोगों को अपनी आइकिगाय जल्दी से मिल जाती है और कुछ लोगों को इसको ढूंढने में टाइम लगता है। अगर आप सेकंड कैटेगरी के लोग हैं तो आपके लिए अपनी डेस्टिनी को लगातार ढूंढना इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आइकिगाय लंबी उम्र तक हेल्दी लाइफ जीना, या अच्छी जॉब करना, या बड़ा बिजनेस खोलना, या कभी रिटायरमेंट नहीं लेना जो आपको मनी और जॉय दोनों देता है, तो इसको कभी मत छोड़िएगा। ओकिनावा के लोग रूल्स को फॉलो करते हैं और इनको फॉलो करके अपनी लाइफ को एक्टिव रखते हैं। यह 100 साल से ज्यादा वाली उम्र के लोगों से बात करके पता चलता है कि एक एक्टिव माइंड और लो स्ट्रेस लंबी लाइफ का सीक्रेट होता है। हर डॉक्टर भी हमको यही बताता है कि हेल्दी माइंड और बॉडी सबकी लाइफ के लिए जरूरी है। रियलिटी में स्लो लाइफस्टाइल हमारी बॉडी और इमोशंस पर उल्टा इफेक्ट डालता है। कम दिमाग यूज करने के कारण हमारे न्यूरल कनेक्शन वीक हो जाते हैं। यही कारण है कि ब्रेन की एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसाइंटिस्ट का भी कहना है कि बूढ़े लोग ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी को खो देते हैं, क्योंकि वो पैटर्न और रूटीन में फंस जाते हैं और न्यू एक्टिविटीज को नहीं करते। अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों से मिलना और सोशल इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस करना हमारे दिमाग की सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज में से एक हो सकता है। लंबी उम्र के लिए एक और सीक्रेट है, स्ट्रेस से बचना। रियलिटी में कई साइंटिस्ट स्टडीज स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी और माइंड दोनों को बहुत नुकसान पहुंचता है। एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालने की कोशिश करें। ये आपको शांत होने का मौका देता है और आप अपने बॉडी और माइंड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मोनिटर थेरेपी किसी भी स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हेल्पफुल होती है। इस थेरेपी का आविष्कार साइकोथेरेपिस्ट और बुद्धिज्म प्रैक्टिशनर ने किया है। ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मोनिटर थेरेपी में पेशेंट को खुद को बदलने की कोशिश किए बिना हमारे इमोशंस पर ध्यान देने और उसको एक्सेप्ट करने को कहा जाता है। यहाँ पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने के लिए काम किया जाता है, जो पुरानी और नेगेटिव इमोशंस को धीरे धीरे बदलती है। जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना कम स्ट्रेस लेना चाहिए, यहाँ तक कि एक अजनबी से भी मुस्कुराकर बात करें। खुले दिल के साथ सबको मिलना चाहिए, ये आपको यंग बनाए रखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचकर अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है।
ओकिनावा के लोग ये मानते हैं कि उनकी अच्छी लाइफ का जो मेन रीजन है वो है कि वो अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जापानीज खाना हमेशा से ही डिस्कशन का टॉपिक रहा है। कहा जाता है कि ओकिनावा के लोग रोज खाने में 206 से ज्यादा अलग अलग न्यूट्रिशन खाते हैं, जैसे कि वो हर रोज 5 अलग अलग तरह की सब्जियां और फल खाते हैं। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि जब हमारा पेट 80% भर चुका हो तो हमें खाना बंद कर देना चाहिए, दूसरे शब्दों में हमें थोड़ा भूखा रहना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेली बेसिस पर ग्रीन टी जरूर पिए, क्योंकि ओकिनावा के लोग यही करते हैं। रिसेंट स्टडी से पता चला है कि ये ड्रिंक ओकिनावा की सबसे ज्यादा पीने वाली ड्रिंक है और ये लंबी उम्र के लिए पावरफुल प्रमोटर होती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और इन्फेक्शन रोकने में बहुत हेल्प करती है। तो रियलिटी में लंबी और खुश लाइफ के लिए आपको अपनी बॉडी को मूव करना पड़ेगा, वो भी जल्दी जल्दी नहीं। ओकिनावा में रहने वाले लोगों को देखकर ये पता चलता है कि इजी और रेगुलर मूवमेंट से वो लोग खेलते हैं और फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम सबको अपनी लाइफ में अच्छे से जीना है तो हम सबको अपनी आइकिगाई ढूंढने की जरूरत है, जिससे हम सब लोग लंबी उम्र तक अच्छी हेल्दी बॉडी के साथ एक हेल्दी माइंड भी कैरी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।